ऊंचे पर्वत, लंबे झरने और घने जंगल, इन तीनों का सम्मेलन आपको एक जगह पर मिल जाएगा। जी हाँ, ये कोरापुट में स्थित एक ऐसी जगह है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारा सफर शुरू होता है टू एक्सप्लोर द मेस्मराइजिंग रथीवाली वाटरफॉल्स। तो शुरुआत इसकी लोकेशन से करते हैं। ये डेस्टिनेशन ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर बेल्ट्स पर एग्जिस्ट करता है। तो जहाँ तक बात है डिस्टेंस की, ये कोरापुट से 54.9 किलोमीटर की दूरी में है और जनरली इस पैथ को कवर करने के लिए आपको 1.5 आवर्स लग सकते हैं। और जहाँ तक बात है भुवनेश्वर की, तो उनके लिए स्पेसिफिक दो रूट्स हैं। और जहाँ तक बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे तीन तरह के रूट्स हैं। सो इट डजंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हो, अपने लिए सबसे कन्वीनियंट रूट चूज करके इस ब्यूटीफुल जगह को एक बार जरूर विजिट कीजिए। इस सफर में आपको और भी कई सारे टूरिस्ट लोकेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। इस प्लेस का नाम है रेड प्लांटेशन और ये मणिपुर रिसर्च सेंटर के अंडर जाता है। कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एवर बीन हियर बिफोर एंड लेट मी नो, शायद अगर हमसे कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो गए हो, ताकि आने वाले समय में उसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। सो व्हाट डू यू से, हाउ वाज दिस प्लेस? ऑसम ब्रो, ऑसम। फोटो खींचने के लिए इससे बेटर जगह आपको इस रूट में नहीं मिलेगी ना। बहुत ही ज्यादा प्यारी प्लेस है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। जैसे जैसे हम वक्त के साथ आगे बढ़ते गए, आगे आने वाले सीनरी और भी ज्यादा खूबसूरत थे। यहाँ के बुजुर्गों का मानना यह है कि कोरापुट की सुंदरता देवताओं की देन है। उन देवताओं ने ही कोरापुट को बेशुमार प्राकृतिक सुंदरता और नेक दिल लोग प्रदान किए हैं। क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करना चाहता, जरा इन गाँव को देखिए, जरा इन खूबसूरत वादियों को देखिए, किसी को भी मनमोहक कर देने वाले ये नजारे आपको यहाँ पर रहने को मजबूर कर देगी। और कोरापुट की इन सारी अमेजिंग व्यूज को देखने के बाद आपको इस जगह को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और ढेर सारी बातें करते करते हम आखिरकार हमारे लोकेशन तक पहुंच ही गए। तो जरा अपने दिल को थाम कर बैठिए, अब जो नजारे आपको देखने को मिलेंगे वो शायद ही कहीं आपको और देखने को मिल सकते हैं। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू द अमेजिंग रथीवाली वाटरफॉल्स। सो वी आर हियर एट द लोकेशन एंड आप देख सकते हैं इतनी अमेजिंग व्यू है मेरे पीछे। यार मुझे पता नहीं था यार कि इतनी खूबसूरत लोकेशन यहाँ पर है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पे आ जाता। तो मुझे ना आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, मॉनसून में अगर आप आना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको किनारे तक ले जाता हूँ। मतलब ना आप जगह ढूंढते ढूंढते ना थक जाएंगे, इतनी मतलब प्यारी प्यारी प्लेसेस है यार। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और ही आ गया हूँ। ये प्लेस ऐसा लग रहा है कि मैं मेघालय में हूँ, क्योंकि ना ऐसे नज़ारे ना यार बहुत कम देखने को मिलते हैं। आई एम स्टैंडिंग अंडर ए ट्री और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गई है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ड्रोन के कुछ शॉट्स लेने आया था, बिकॉज ये वो अमेजिंग व्यू है जहाँ पे मैं शॉट लेना चाहता था। और आपको मैं अगर दिखा दूँ यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, एज यू कैन सी पूरा कोहरा ही कोहरा है यार। मतलब और वो प्लेस दिख नहीं रहा है यार। हियर इज़ माय बडी विद अ अम्ब्रेला। So let's go. Thank you.
आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहां पर एक क्लाउड है, लेकिन वो क्लाउड जो है एक माउंटेन को छुपा रखी है। सो ड्रोन वहां पे भेज के देखते हैं। सो लेट्स गो। मेरे करंट लोकेशन से लेकर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 15 मिनट्स लग गए, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो जो नज़ारे मुझे देखने को मिले वो वाकई में बहुत शानदार थी। सो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। कीप वॉचिंग एडी व्लॉगिंग्स। जरा इस प्लेस के सराउंडिंग को अच्छे से नोटिस कीजिए। ये बारिश के पहले वाली वीडियो है और ये बारिश के बाद वाली वीडियो है। सो गाइस, यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप मॉनसून के सीजन पे यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरे पत्थर जो है मतलब गीली हो चुके हैं, बिकॉज अंदर से जो है पानी निकलती है। सो अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग ना करें, सेफ ट्रैवल कीजिए। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो प्लेस है थोड़ा सा रिस्की है। अभी थोड़ा सा क्रैक होने का आवाज़ आया मुझे। सो मेक श्योर कि यू शुड ट्रैवल सेफली एंड एंजॉय कीजिए।